जी हाँ, दिल्ली कैपिटल्स जीत के साथ मचाया धमाल, मुंबई की हार से बड़ा उलटफेर। जी हाँ, आईपीएल पॉइंट्स टेबल में बड़ा ही बदलाव देखने को मिला है। बता दें दोस्तों, ये मैच मुंबई और दिल्ली के बीच हुआ था। बता दें दोस्तों, पहले टॉस जीतकर मुंबई बॉलिंग करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए दिल्ली कैपिटल्स 257 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना पाए। इसके जवाब में मुंबई इंडियंस 247 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना पाए। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स 10 रन से जीत हासिल कर ली। इसी जीत के साथ पॉइंट टेबल में बड़ा ही बदलाव देखने को मिला है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, पहले नंबर पर है राजस्थान रॉयल्स, जो 8 मैच में 7 मैच जीत कर और एक में हार कर 14 पॉइंट से सबसे ऊपर। बात करें केकेआर, जो 8 मैच में 5 में जीत और 3 में हार के साथ दूसरे नंबर पर। बात करें सनराइज हैदराबाद, तीसरे नंबर पर 8 मैच खेलकर 5 में जीत और 3 में हार के साथ 10 पॉइंट से तीसरे नंबर पर। बात करें लखनऊ सुपर जायंट, जो 8 मैच खेल चुके हैं जिसमें 5 में जीत और 3 में हार के साथ चौथे नंबर पर। बात करें दिल्ली कैपिटल्स, इस जीत से 10 मैच खेल चुके हैं जिसमें 5 में जीत और 5 में हार के साथ 10 पॉइंट से पाँचवें नंबर पर। बात करें सीएस के छठवें नंबर पर पहुंच चुके हैं, 8 मैच खेले हैं, 4 में जीत और 4 में हार के साथ 8 पॉइंट से। बात करें गुजरात टाइटल्स 7 पायदान पर, जो 9 मैच खेल चुके हैं, 4 में जीत और 5 में हार के साथ 8 पॉइंट से। बात करें पंजाब किंग्स 8वें नंबर की, 9 मैच खेल चुके हैं, 3 में जीत और 6 में हार का सामना करना पड़ा है। बात करें मुंबई इंडियंस, जो 9 मैच खेल चुके हैं, 3 में जीत और 6 में हार मिली है। बात करें 10वें नंबर आरसीबी, 9 मैच खेल चुके हैं जिसमें 2 में जीत और 7 में हार के साथ सबसे नीचे पायदान पर। तो दोस्तों, वीडियो का पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।